नमस्कार, मैं हूं एकता। प्राइम न्यूज 24 में स्वागत है आपका। खबर गोंडा से है। जनपद गोंडा थाना कोतवाली नगर ग्राम गिर्द गोंडा ग्रामीण लक्ष्मणपुरी कॉलोनी में निवास कर रहे अनुसूचित जाति के तिलक राम ने विगत 20 वर्ष से पूर्व अपने परिवार सहित क्रय की गई भूमि गाटा संख्या 186 में मकान बनाकर खाली भूमि पर छप्पर रखकर जानवर पालकर जीवन यापन कर रहा है। तिलक राम के बगल आवास विकास परिषद गोंडा ने भूमि अधिग्रहित की गई है। इसी वजह से कुछ असामाजिक तत्वों ने आवास विकास परिषद के कर्मचारियों से साजिश करके तिलक राम को परेशान किया जा रहा है, जिससे वह उजड़ जाए, जबकि कानूनन अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों को पैदखल करने का प्रावधान नहीं है। प्राइम न्यूज 24 के लिए गोंडा से राजकरण की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 में, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं इस समय आवास विकास में आया हूँ। यहाँ पे एक गरीब व्यक्ति हैं जो कि इनके जमीन का कुछ विवाद है। आइए इन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि क्या समस्याएं हैं। सर, आप अपना नाम बताएंगे? तिलक राम। क्या समस्याएं हैं आपकी? समस्याएं हैं हमारी, जो है ये हमारे बैनाने की जमीन है। हाँ। इसमें आवास विकास कर्मचारी लोग, कुछ लोग प्रताड़ित करते हैं कि ये जो है परिषद की जमीन है। कौन कौन है प्रताड़ित करते हैं? प्रताड़ित करते हैं अरुण कुमार पांडे हैं, कृष्ण कुमार पांडे हैं और बंधुराम मौर्य हैं। उनके साथ अन्य दो तीन लोग और थे, उनको मैंने सहयोगी रहते हैं। जी सर, अज्ञात जी। अच्छा, इसके बारे में आपने कहीं प्रार्थना पत्र वगैरह दिया? नहीं, कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया है। दीवानी कचहरी में हमारा जो है मुकदमा चल रहा है, इन्हीं से चल रहा है। अच्छा, न्यायालय में चल रहा है। जब हमने उनको मना किया था, जब ये जबरदस्ती किए, दीवार उठा लिए वहाँ से। हाँ। तो जो है, जो दीवार उठाते समय जो है हमको ये हुआ कि हम भाई जबरदस्ती कर रहे हैं, हम मेरे बाद में हूँ नहीं कटवाऊंगा। तो वो जो है दीवानी कचहरी में हमारा इनका मुकदमा चल रहा है, मुकदमा चल रहा है। उसके बाद फिर भी प्रताड़ित में लगा हुआ है, फिर भी ये प्रताड़ित करते हैं, नोटिस दे दिए हैं। हाँ। ये हटा लेने के लिए कह रहे हैं। अच्छा, ये जमीन आपकी बैनामे की बैनामे सुधा की जमीन है, 186 गाटा संख्या 186 का है। इसमें इन्होंने भी एक्वायर किया, हमने भी एक्वायर किया है। लेकिन एक्वायर में जो है इनके नक्शे के मुताबिक जो सीधा नक्शा इनका जो है हमारे बैनामे की जमीन से पश्चिम साइड। अच्छा, ये सामने जो ये मकान बना है ये किस चीज का है? ये समुदाय केंद्र इन्होंने बनाया है, परिषद ने बनाया है। जितना इन्होंने एक्वायर किया था उसमें इन्होंने बना लिया है। अच्छा, उसके बाद भी ये जमीन ढूंढ रहे हैं? उसके बाद भी ये जमीन ढूंढ रहे हैं। ये हमारी ये दूसरे के गाटे में घुसना चाहते हैं? नहीं, गाटा इन्हीं का, इनका भी है, हमारा भी। इसी में इन्होंने एक्वायर किया है, इन्होंने 48 दशमलव लिया है। हमारा जो है शेष जमीन जो है 27 दशमलव है। अच्छा, 27 में हम कई लोग हैं इसमें। अच्छा, बैनामेदार कितने लोग होंगे आप? बैनामेदार 6-7 लोग। 6-7 लोग, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में आप चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं न्याय, चाहते हैं न्याय, चाहते हैं न्याय की गुहार लगाते हैं। जी हाँ, आपको न्याय मिलता है कि नहीं? जी, न्याय मिलता है या नहीं मिलता है? कैसे आपको आश्वासन मिलता है? कोई आश्वासन नहीं मिलता है। पुलिस में जाते हैं तो पैसा ले लेते हैं, वो उनके हिसाब से जो है उनके तरफ हो जाते हैं। अच्छा, पैसा ले लेते हैं पुलिस वाले? चलिए, धन्यवाद। ये जो भी इनकी समस्याएं थी इन्होंने बताया है। आइए दर्शकों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि इसको बार बार आप लोग देखें और इनके समस्याओं का समाधान करवाया जाए। थैंक यू।